हाँ जी, आया आपका भाई इस दफा पूरी लाइन लेके। पूरी लाइन है, लाइन। हाँ क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भाई, वेपेक्स की लाइन है। आप सबने सुना तो होगा वेपेक्स के बारे में। मैंने इनसे लाइन परचेज की है। मैंने 30-30 ml इसलिए परचेज किया है कि मैं हर फ्लेवर ट्राई करके उसको रिव्यू देना चाह रहा था। 60 ml या 120 ml परचेज करता तो मेरे लिए एक्सपेंसिव पड़ जाता। तो मैंने इनके फिलहाल 7 flavors मंगवाए। इसके अंदर एक एक करके नाम बता देता हूँ। ग्रेप है, वाटरमेलन है, कैरेमल पॉपकॉर्न है, आइस लीची है, पीच ब्रीज है, रेडबुल है, और जी स्ट्रॉबेरी मिल्क है। अच्छा, इस सीरीज़ के अंदर हम करेंगे ये कि हम वेपैक्स को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहले 3 flavors, फिर 3 flavors, फिर 2 flavors। आखिरी में मैं आपको वर्डिक्ट दूंगा, तो आपने तीनों पार्ट्स देखने हैं भाई के साथ, ठीक है? अच्छा, देखें, वेपैक्स का रिव्यू करने से पहले मैं दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। एक जी, पाकिस्तानी है लेकिन देखें इम्पोर्टेड इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, मुझे फ्लेवर की क्वालिटी अच्छी लगी, ठीक है? दूसरा, अपना भाई है, ठीक है? अपनी कम्युनिटी के अंदर होते हैं फर्रुख भाई, तो मेरे ख्याल से हमें सपोर्ट करना चाहिए। कम्युनिटी मेंबर के हिसाब से हमें सपोर्ट करना चाहिए। तीसरा भाई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बजट में फ्लेवर्स परचेज करते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं, कुछ जाहिर सी बात है नौकरी पेशा आदमी भी हैं, तो जाहिर वो हर महीने 8-10 हज़ार रुपये के फ्लेवर अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। 60 ml 1000 रुपये का है, सॉरी, 30 ml 1000 रुपये का है, 60 ml 1700 रुपये का, मलेशियन से भी हाफ प्राइस में। फ्लेवर रिव्यू बिल्कुल करते हैं। सबसे पहले हम फ्लेवर उठाते हैं इनका, आई थिंक पीच ब्रीज। पीच ब्रीज उठाते हैं, डिप करते हैं, देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स आता है। जब तक मैं डिप कर रहा हूँ, प्राइम कर रहा हूँ, आप दोस्तों का रिव्यू सुने। हाँ, हमारे फ्लेवर तो तुम्हें पता ही है भाई, अपना बहुत मज़ेदार फ्लेवर है अपना पीच का। और अपना इसमें जो है वो मतलब इनहेल में भी पीच बहुत अच्छा है, एक्सहेल में भी, मतलब एक आइस का लेवल, आइस का लेवल इसके अंदर बिल्कुल जो है वो एक नॉर्मल सा है, लेकिन मतलब बहुत ज्यादा बैलेंस में है। अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब मजा आ रहा है, मतलब एक्सहेल के अंदर जब आइस जो फील इसके अंदर हो रही है, उसके अंदर जो है अपना ये कहते हैं, मतलब एक बहुत अच्छा टेस्ट, मतलब वो हो रहा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अच्छा जी, दोस्तों का रिव्यू सुना आपने। प्राइम करते हैं जी पीच ब्रीज। वलहला 30 ml मेरे पास लगा हुआ है, 0.11 अल्शाइव लगी हुई है, पीच ब्रीज है। भाई पीच की खुशबू बड़ी दमदार है, जो बात है, बहुत दमदार खुशबू आ रही है पीच की। ऐसे में बड़ा सख्त लौटा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। लेट्स हिट इट 90-100 watts, बल्कि हिट करते हैं। बहुत लेवल का पीच आ रहा है, बहुत लेवल का पीच आ रहा है। आइस नॉर्मल है लेकिन बहुत लेवल का पीच आ रहा है। इतना कड़क पीच आ रहा है कि मैं आपको क्या बताऊं, पीच ही पीच है हर जगह, पीच भरा हुआ है, इनहेल एक्सहेल आफ्टर नोट्स, हर जगह पीच भरा हुआ है, बहुत लेवल का पीच आ रहा है। मैं नॉर्मली पीच का कोई बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन ये फ्लेवर वाकई बहुत दमदार फ्लेवर है, बहुत दमदार फ्लेवर है। छोड़ने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन दूसरा फ्लेवर डिप करना जरूरी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, पीच के बाद उठाते हैं रेडबुल। भाई मैं बहुत शौक से रेडबुल पीता हूँ, बल्कि मैं अभी रेडबुल मंगवाता हूँ। जी भाई आ गया भाई, रेडबुल भी आ गई और जी आइस भी आ गई। आइस रेडबुल के साथ लगाएगा आइस, आइस रेडबुल वेपैक्स का फ्लेवर। देखते हैं भाई कितनी सिमिलैरिटी है। रेडबुल थोड़ा सा और डालते हैं इसके अंदर। देखते हैं भाई क्या है। पहले रेडबुल सिप लेते हैं।
रेडबुल जो है ना, वेपेक्स का जो रेडबुल आ रहा है ना, मीठा है थोड़ा सा। ये जो रेडबुल है ना, इसके अंदर बिटरनेस है। रेडबुल मैं काफी अरसे से पी रहा हूँ और मैं बहुत शौक से पीता हूँ रेडबुल। तो रेडबुल जो है ना, वो जो ओरिजिनल जो रेडबुल का टेस्ट है ना, उसमें हल्की सी कड़वाहट होती है। जब आप सिप पूरा कर लेते हैं ना, वो हल्की सी कड़वाहट रह जाती है। इसके अंदर वो चीज़ नहीं आ रही है, इसके अंदर मिठास आ रही है हल्की सी। वो मिठास ना मुझे, वो तो दे रही है, स्मेल तो रेडबुल वाली दे रही है, लेकिन वो जो मिठास है ना, वो मुझे जो है ना, वो मजा नहीं दे रही है। आई डोंट थिंक कि आप वो जो कहेंगे ना परफेक्ट रेडबुल, आई डोंट थिंक दैट परफेक्ट रेडबुल वो है जो ना। नहीं, आई डोंट लाइक दिस फ्लेवर, मेरे टाइप का नहीं। मैं जो रेडबुल, जो मेरी एक्सपेक्टेशन, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है शायद कभी एक्सपायर हो जाती है ना रेडबुल, थोड़ा सा वैसा टेस्ट आ रहा है। खैर, वीडियो लंबी हो रही है, तो पार्ट टू में इंशाल्लाह बाकी के फ्लेवर्स पार्ट टू और थ्री में हम करते हैं खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।